कैशलेस लेन देन की तरफ डीएमएस यानी दिल्ली दुग्ध योजना ने भी हाथ बढ़ा दिया है। शादीपुर डिपो, दिल्ली के शादीपुर डिपो में आयोजित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कृषि मंत्रालय के साझा कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने दिल्ली के अधिकृत दुग्ध वितरकों को स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम के बारे में जानकारी दी है। भैंसों का भुगतान सीधे स्वाइप मशीन के जरिए हो, ग्राहकों को दूध बूथ की दुकानों पर कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शादीपुर डिपो ने दिल्ली के अधिकृत दूध वितरकों को स्वाइप मशीन के जरिए काम करने की जानकारी दी। दिल्ली में 1,365 अधिकृत दूध वितरक हैं, जिनमें से 500 वितरकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रोसेस में है, बाकी दो चार दिन में ये सारे अकाउंट भी खुल जाएंगे। अकाउंट खुलने के बाद हम लोग इन्हें पॉस की भी सुविधा दे रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे रहे हैं, बड़ी दे रहे हैं, यानी जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज जिससे कैशलेस किया जा सकता है वो हम लोग वन पॉइंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। एसबीआई के आला अधिकारियों ने वितरकों के लिए चालू खाते खोले। पहले दिन लगभग 400 वितरकों के खाते खोले गए। जिन वितरकों के खाते खोले गए हैं वहां तक एसबीआई जल्द ही POS यानी स्वाइप मशीन या कहें कि माइक्रो ATM पहुंचाएगी। सुबह सुबह कई बार ये होता है मिल्क बूथ में जा करके मिल्क दूध लेने के लिए कई बार छोटे पैसे भी नहीं होते। बॉडी से और पॉस मशीन से ये होगा कि बिना कैश के बिना छुट्टे की झंझट से दूध लेना का काम आसान हो जाएगा। DMS कृषि मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। 1 नवंबर 1959 से स्थापित ये कार्यालय ग्राहकों के लिए दूध और दूध से बने उत्पाद जनता तक पहुंचाती है। बैंक की इस पहल के बाद जल्द ही अन्य वितरक भी SBI से जुड़कर कैशलेस की तरफ बढ़ रहे देश को मजबूती देने में अपना योगदान देंगे। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD News।